काचौड़ा विधानसभा का एक गांव ऐसा भी है जहां ना शौचालय है ना ही कुटी है। यहां तक कि बरसात में क्षतिग्रस्त कच्चे मकान का मुआवजा भी एक महिला को अभी तक नहीं मिला। ग्राम कढ़ाई खेड़ा में गांववासी मूल सुविधाओं से कोसों दूर हैं, जहां ना शौचालय है और ना ही रहने को पक्के मकान। सरकार की योजनाओं से ग्रामीण अभी तक वंचित है, जहाँ सरपंच भी गाँव वालों की नहीं सुनता। गाँव वाले बताते हैं कि शौचालय और कुटी के लिए सरपंच के पास कई बार गए, लेकिन सरपंच का कहना होता है कि गांव का नाम अभी लिस्ट में नहीं आया है, यानी पूरा गांव ही कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। वहीं गांव में रहने वाली लीलाबाई का घर भी पूरी तरह बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी भरपाई भी अभी तक शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई। पटवारी का कहना है कि उसने सर्वे रिपोर्ट बनाकर तहसील में सौंप दी है, लेकिन अभी तक मुआवजा राशि महिला को नहीं मिली है। वहीं जब ये मामला भाजपा जिला मंत्री रुद्रदेव सिंह के संज्ञान में आया तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात हो चुकी है, जल्द ही गांव को शौचालय और कुटी की व्यवस्था करवाएंगे। अब देखना यह होगा कि ये गांव कब तक विकास की राह पर चलेगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर ग्रामीण। कब गिराया मकान आपका? चौमास में गिराया, सामान में, सावन में, सामान में गिराया। तो अभी तक इसका मुआवजा नहीं मिला? कुछ भी नहीं हुआ। कागज ले गए थे पटवारी साहब? हाँ, ये कागज भी ले गया, ये फोटो दे दिया सब। कब ले गए थे कागज? ये बरसात में। बरसात में ले गए? तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ भी सुनवाई नहीं है। अरके वहाँ तो कोई सुना ही नहीं, कई करा। क्या नाम है आपका? परसोद भाई का। कितने दिन पहले आप इन लोगों का वो सर्वे करके ले गए थे, अभी तक क्यों मुआवजा नहीं? बरसात में आया था सर, गिरा था, उसके जांच मौका पंचनामा बना कर सब आवेदन लगा तहसील में जमा कर दिए। अभी तक मुआवजा नहीं मिला, तहसील से जानकारी नहीं है कि मुआवजा क्यों नहीं लगाया। मेरा काम था वो मैं करके दे दिया था, आवेदन पंचनामा बनाकर दे दिया। इस गांव में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है और कुटी के लिए परेशान है, इनकी भी काफ़ी दिन पहले कुटी गिर चुकी है, इस संबंध में क्या कार्रवाई होगी? मैंने अभी सीओ साहब जो रावगढ़ बैठते हैं उनसे फ़ोन पे चर्चा करी और कहा है कि इस गांव पे ध्यान दें और जितने भी अपने मुआवजा जो अपनी फसलें भी नुकसान हुई है उसका ही मैंने तहसीलदार और कुटीर वुटीर सबका मैंने तहसीलदार को आदेश दिया कि जल्द से जल्द यहाँ पर होनी।